मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आधी रात के बाद छात्राओं ने इंसाफ की मांग को लेकर जमकर बवाल शुरू कर दिया। भारी शोरगुल के बीच छात्राओं के हंगामे से यूनिवर्सिटी प्रशासन हिल गया। वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद छात्र भी यूनिवर्सिटी का गेट खोलने के लिए गार्ड से उलझते नजर आए। लेकिन ये छात्राएं इंसाफ क्यों मांग रही थी? इनके साथ क्या गलत हुआ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आधी रात के बाद ये पूरा बवाल क्यों हुआ? जब इस बात से पर्दा हटा तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक हलचल मच गई। जो खबर सामने आई उसमें आरोप लगाया गया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 60 छात्राओं का नहाते हुए MMS बना लिया गया है। आरोप ये भी लगे कि ये MMS वायरल भी हो गए हैं, जिनके सामने आने के बाद 8 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया गया ये MMS किसी और ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा ने ही बनाए और अपने एक दोस्त को भेज दी। खबर आग की तरह फैली और चंडीगढ़ से दिल्ली तक बड़े बड़े चेहरे इस पर प्रतिक्रिया देने लगे। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुआ क्या था? इस वीडियो में MMS कांड की आरोपी भी है और तथाकथित पीड़ित भी, और पूरे MMS कांड में ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वीडियो में आरोपी लड़की और हॉस्टल की वार्डन की पूरी बातचीत मौजूद है। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंटल बोर्ड बनेंगे, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कमिश्नर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरह, फिर कंप्लेन करते हैं कि बोर्ड थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी के? फिर क्यों करती, किसके कहने में करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां DSW में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना है उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही वीडियो। शिमला का तो कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर की? उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाड़ रही है। यहाँ पढ़ता है वो? हाँ। कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा पुरुष में कैसे दे रहे DSW वालों ने? हाँ? तो बनाते क्यों है? तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रहना। इस वीडियो में हॉस्टल की वार्डन आरोपी लड़की से पूछताछ करके जानना चाहती है कि आरोपी ने किस किस छात्रा का वीडियो बनाया और किसे ये वीडियो भेज दिया और वीडियो वायरल करने वाला लड़का कौन है। इस दौरान वार्डन आरोपी लड़की को डरा भी रही है, उसे सस्पेंड करवाने की धमकी भी दे रही है। लेकिन लड़की वार्डन से की जा रही इस पूछताछ में MMS उस लड़के को भेजने से इनकार करती है। वहीं चंडीगढ़ MMS कांड से जुड़ा एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें वार्डन तो मौजूद नहीं लेकिन हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियां आरोपी लड़की से पूछताछ कर रही हैं और इस वीडियो में आरोपी लड़की वीडियो बनाने की बात स्वीकार कर रही है। पहले तो इस लड़की ने दूसरी छात्राओं के सामने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने कोई वीडियो बनाया है, लेकिन जब दबाव बढ़ाया गया तो वो टूट गई। इस लड़की ने अपने कबूल नामे में कहा कि शिमला के एक लड़के के कहने पर उसने छात्राओं की वीडियो बनाए और उसे भेजे। इस लड़की ने शिमला वाले लड़के की तस्वीर भी दिखाई जिसने उस पर वीडियो बनाने का दबाव डाला था। इसके बाद वीडियो में लड़कियां आरोपी लड़के के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू करती दिखाई दी। क्यों
लड़की ने बोला आपको? बोला आपको प्रेशर किया था, प्रेशराइज किया था उसको करने के लिए? एक देखो आपको कुछ नहीं होगा, बताइए मत वो करो। अगर आप बता दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। ये नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं उससे ये क्या किया आप चल के बात करो। हालांकि इस वीडियो में यह बताया नहीं गया कि आरोपी लड़की ने कितनी छात्राओं की वीडियो बनाए और कितनी छात्राओं की वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में लड़की ने पहले वीडियो बनाकर उसे डिलीट करने की बात कही और बाद में लड़के को वीडियो भेजने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन इस पूरे मामले का सच क्या है? मामला बढ़ा तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने FIR दर्ज करवा दी। वैसे हंगामे के बाद ही पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। उस वक्त नाराज छात्राओं ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर मामले को दबाने की कोशिश के आरोप भी लगाए। तो मामूली मामला नहीं है, सीरियस मामला है और पुलिस अब इसे सीरियसली ले रही है। कितनी बातों को दबा दिया गया है, ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मीडिया को वापस भेज दिया इन्होंने, पैसे देके पुलिस को वापस भेज दिया। इस तीसरे वीडियो में प्रदर्शनकारी छात्राएं यूनिवर्सिटी पर मामले को दबाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो ही आखिरी सच है? छात्रों का बवाल और ये वीडियो कहते हैं कि मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी वजह से कई छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उनके सम्मान पर चोट लगी है, उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही कम और गलत काफी ज्यादा है। सबसे पहले आरोप लगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 लड़कियों का नहाते वक्त एक लड़की ने MMS बना लिया। लेकिन पुलिस की माने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की ने सिर्फ अपना MMS बनाया था। जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है, ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। मोहाली पुलिस से सवाल पूछा गया, अगर MMS नहीं बने तो वार्डन और आरोपी छात्रा के बीच बातचीत का जो वीडियो आया है उसका क्या मतलब है? क्योंकि उस वीडियो में वार्डन MMS के बारे में बार बार पूछ रही है। मोहाली पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। जो एक वीडियो और आ रही है जिसमें कि वार्डन जो है उसको लड़की को पूछ रहे हैं इस चीज़ में जो हमने वार्डन से इंटरेक्शन किया है वो ये इलिसिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे पूछ रही है कि भी क्या किसी और की भी वीडियो बनाई है। जो आपने बात की इसी के लिए मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे नोटिस में किसी और की वीडियो सामने नहीं आई है। यहाँ पर एक सवाल और उठा, अगर कोई MMS नहीं बना तो FIR में जो शिकायत दर्ज की गई है उसके क्या मायने? यहाँ पर पुलिस का जवाब सुनवाने से पहले हम आपको इस मामले में दर्ज FIR के तथ्यों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जहाँ पर ये तथाकथित MMS कांड हुआ उस गर्ल्स हॉस्टल की मैनेजर के बयानों के आधार पर पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो संशय पैदा करती है। FIR में लिखा गया है कि रात 3 बजे छात्राओं ने एक लड़की की शिकायत दर्ज करवाई। लड़की पर दूसरी छात्राओं के नहाने का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। आरोपी लड़की और दूसरी छात्राओं को ऑफिस में बुलाया गया। आरोपी लड़की ने फोटो और वीडियो बनाने की बात से इनकार किया, लेकिन फोन चेक करने पर कई वीडियोज और फोटो डिलीट पाए। हॉस्टल की मैनेजर ने FIR में इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। इस FIR के जवाब में पुलिस ने कहा, हमें जो जानकारी दी गई उस पर FIR दर्ज करके हमने जांच शुरू कर दी।
जिस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई थी, जिस तरह की आप भी अभी हमारे से पूछ रहे हो कि इसके अलावा और किस किस की वीडियो है, जिस समय पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी उस समय पे इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि शायद किसी और की वीडियो भी हो सकती है। हम वी आर लीगली बाउंड कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो हमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना है। सवाल ये भी पूछा गया, अगर छात्राओं के MMS नहीं बने तो फिर छात्राएं रात में किस बात का इंसाफ मांग रही थी और ये पूरा बवाल हुआ ही क्यों? पुलिस ने इसके लिए अफवाह को जिम्मेदार बताया है। जो प्रोटेस्ट हुआ कल रात को वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक र्यूमर जो है इस तरह का फैल रहा है, वो र्यूमर को क्लियर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। जहां तक क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है, क्लीन चिट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं ने भी फौरन प्रतिक्रिया दे दी। पुलिस कहीं ना कहीं इस मसले को दबाना चाहती, अंडर दी कारपेट करना चाहती है। पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरह की आज FIR लॉन्च की गई और ये कहा गया कि एक ही मैसेज है, और SSP ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, दूसरी तरफ लड़की वार्डन के सामने वीडियो पे ये बयान कर रही है कि मैं बहुत दिन से ये सब कर रही थी, तो इसके पीछे कौन है? क्या एक ही आदमी है, क्या इंडिविजुअल है, कोई गैंग है इस तरह का? अभी नेताओं ने किस आधार पर बयान दिया इस बात का जवाब मोहाली पुलिस के पास नहीं था। एक सवाल ये भी उठाया गया, क्या इस खबर के सामने आने के बाद 8 लड़कियों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? इस बात को भी मोहाली प्रशासन ने बकवास बताया। जब छात्राएं यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रही थीं, तो कुछ एम्बुलेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आई थी, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान जिन लड़कियों की तबीयत खराब हुई वो उन्हें लेने के लिए आई। ये जो इंसिडेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट हो रहा है कि किसी ने सुसाइड किया या लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, एक तो इसके बारे में वेरीफाई किया गया है प्रॉपर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि किसी ने सुसाइड किया है या इवन अटेम्प्ट भी किया है। सो लड़कियां कुछ फेंट हुई थी, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, दे आर परफेक्टली फाइन। कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इवन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड ऐसा कुछ भी वो दैट इज़ नॉट ए करेक्ट वर्जन जैसा कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया है। किसी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की। जो एक स्टूडेंट की वीडियो आ भी रही है जिसको कि एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उनको एक एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉब्लम हुआ था और उसके लिए उनको लोकल ट्रीटमेंट दिया गया, देयर एब्सोल्युटली फाइन। हमारी टीम ने उनके साथ में इंटरेक्ट भी किया है। कुल मिलाकर पुलिस यही बताने की कोशिश कर रही है कि आरोपी लड़की के अलावा किसी और लड़की का MMS नहीं बना, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं की शंका कुछ और ही है। इस बीच आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी छात्रा के जिस दोस्त पर वीडियो वायरल करने का आरोप है, पुलिस उसके पीछे भी है। और इस बीच आरोपी लड़की और लड़के के बीच बातचीत के कुछ चैट भी सामने आए जो बताते हैं इस मामले में सब कुछ सही नहीं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही इस पूरे मामले की असलियत सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है।